जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, ऐसा सुंदर मनुष्य जीवन व्यर्थ ना हो जाए, इस विषय में खूब सावधान रहें। वास्तविक सुख की इच्छा जागृत हो, इसके लिए बुद्धि पलटने की ज़रूरत है। पहले मनुष्य को विश्वास करके ही चलना पड़ता है, फिर अनुभव होने पर तो डिगना असंभव है। निश्चित रूप से विश्वास कीजिए, इस संसार में सुख का लेश भी नहीं है। भगवान को जैसे मानते हैं, मानने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही भगवद वचनों को भी मानने की चेष्टा कीजिए। यह संसार अनित्य है, इसमें सुख है ही नहीं। सुख चाहते हो तो मेरा भजन करो। भगवान के ये वचन मिथ्या न हुए हैं और न होंगे। सुख की भ्रांति में जीवन को बर्बाद करना भारी भूल है, इससे भारी भूल और हो नहीं सकती। देह से, परिवार से, जिन्हें भी आप अपना मानकर भगवान को भूल जाते हैं, उन सब से वियोग अनिवार्य है। इसके पहले भी आपका एक परिवार था, पर अब आपको याद भी नहीं है कि उस परिवार के लोगों की दशा क्या है। बेचारे भूखे भी मर रहे होंगे या मर गए होंगे, तो भी आपको उनकी चिंता नहीं होती। इसी प्रकार इन सब को भी आप अवश्य भूल जाएंगे, इसलिए अभी से उनकी चिंता करना छोड़ दीजिए। ये सब प्रभु की संपत्ति है, आगे से आगे सबके योग क्षेम का यथोचित प्रबंध लगा हुआ है। आप केवल निमित्त मात्र बनते हैं, अतएव वे जैसी प्रेरणा करें उसके अनुसार चलें। पर ध्यान रखें, पाप से संयुक्त स्फूर्णाओं को उनकी प्रेरणा मत मानिएगा। यदि एक क्षण के लिए भी किसी भी असत्य का आश्रय परिवार के योग क्षेम के नाम पर आपके द्वारा होता है, तो समझ लें मन धोखा दे रहा है। भूख से तड़प कर मर जाना अच्छा है, इस मृत्यु से अत्यंत सुंदर भविष्य का निर्माण होगा। पर पाप के द्वारा जीवन निर्वाह की चेष्टा ठीक नहीं है। किसी भी पाप का परिणाम अवश्य ही अशुभ है। पैसे का संबंध, पैसे की चाह और पैसे में सुख बुद्धि जब तक है, तब तक बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है। प्रभु की कृपा का अवलंबन रहे और मुख से नाम जप निरंतर होता रहे। ऐसी चेष्टा करने पर उत्तरोत्तर बुद्धि मन पवित्र होंगे और तभी जगत में सुख बुद्धि का पूर्णतया अभाव होगा। इसलिए अधिक से अधिक नाम लें, सर्वथा नाम के आश्रित हो जाएं, अनंत शांति मिल जाए, सदा के लिए हम सुखी हो जाएं। इसके लिए अनेक मार्ग हैं, पर उनमें सबसे सुंदर साधन है भगवान के नाम की निरंतर रटन। भागवत के द्वितीय स्कंद में सबसे पहले सुखदेव जी महाराज अपना हृदय खोलते हुए कहते हैं कि जो लोग संसार में दुख का अनुभव करके उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। इन वचनों पर विश्वास कीजिए और सर्वथा सब प्रकार से नाम के आश्रित हो जाइए। पाप के बुरे संस्कार बाधा देते हैं, इसलिए जैसी चाहिए वैसी रुचि नहीं होती। पर जैसे रोगी दवा समझकर कड़वी दवा का भी सेवन करता है, वैसे ही मन को प्रिय न लगने पर भी हट से नाम जप करें। जैसे जैसे पाप के संस्कार मिटेंगे, वैसे वैसे नाम में और भगवान में प्रियता बढ़ने लगेगी। विलंब मत कीजिए, इसमें प्रमाद करना बड़ी भारी भूल है। यहाँ की उन्नति अवनति कुछ भी सार नहीं, बहुत दृढ़ होने की ज़रूरत है, अन्यथा पश्चाताप होगा। सब कीजिए, ज्यों का त्यों ऊपर से रहिए, पर भीतर से बदल जाइए। यह बात अपने आप होने लगेगी यदि तत्परता से नाम की रटन होने लगे। अतएव वाणी का पूरा संयम करके आवश्यकता भर बोलने के बाद बाकी समय कुल समय मशीन की तरह नाम लेने में बीते, इसी में लाभ ही लाभ है। जय श्री राधे।